नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट। ये 23 वर्षीय पुरुष थे जिनका लेफ्ट साइड किडनी और ब्लैडर के बीच में, जिसको यूरेटर हम कहते हैं, वहाँ पर एक पथरी फंसी हुई थी। ये 14 mm की पथरी थी और ये इनको किडनी में स्वेलिंग भी कर रही थी और दर्द भी कर रही थी, जो कि निरंतर था, जो कि दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था। उसको हमने यूरेटरोस्कोपी यानी कि एक दूरबीन के माध्यम से होल्मियम लेज़र इस्तेमाल करते हुए क्रश किया और साफ़ कर दिया है। और इस प्रक्रिया में लगभग कुल मिला के 15-20 मिनट ही लगते हैं और पेशेंट पूरी तरह से सुरक्षित भी रहता है और रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है, यानी कि अगले दिन से ही नॉर्मल महसूस करने लगता है। एक स्टेंट डाला जाता है जिसको 3-4 हफ्ते बाद निकाला जाता है, बट अब ये प्रक्रिया जो है बहुत साधारण और आसान हो गई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस स्टोन को हम पूरी तरह से सिंपली क्लियर कर सकते हैं। यदि इससे संबंधित आपके और कोई सवाल हो तो www.drvinitmalhotra.com पे जाकर मुझे प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।